अब्दुल्ला सालिम के तरफ से ओपन चैलेंज और दावा कि अगर वाकईतन तुम अपने दावे में सच्चे, अपने चैलेंज को अगर तुम मजबूत करना चाहते हो तो आओ मैदान में, इन मदरसों के सहन में बैठ कर देखो, इन मदरसों के दरो दीवार से पूछ कर देखो कि मदरसा आज तुमसे कितने, आज तक तुमसे कितने जिहादी पैदा हुए, तुम्हारे इस रूम दरसगाहों के अंदर, कमरों के अंदर बैठकर कितने जैश मोहम्मद और आईएसआईएस के नौजवान को तुमने तैयार किया। मैं कहूँ ये मदरसा कहेगा कि इन मदरसों में आतंकवाद पैदा नहीं होते, इन मदरसों में जिहादी पैदा नहीं होते, इन मदरसों में जैश मोहम्मद का कोई दाई पैदा नहीं होता, इन मदरसों के अंदर कुरान पढ़ने वाले पैदा होते हैं, इन मदरसों के अंदर अमन और शांति का प्रतीक और प्रचार करने वाला पैदा होता है। अगर इन्हें मालूम नहीं है, अगर इनके बाद दिलो दिमाग में बात नहीं समझ में आती है तो तारीख बता देना, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 30 मई 1866 के अंदर रखी गई। क्यों रखी गई थी? दो मकसद थे, फिरका परस मदरसों को बदनाम करने वालों अपने दिलो दिमाग में ये पैगाम बैठा लेना, हमारी आवाज तुम्हारे दिमाग तक पहुंचे, तुम्हारी कान तक पहुंचे तो उन्हें समेट कर रखना ताकि तुम्हें जवाब देने में काम आए अपने झूठे खुदाओं को। बताना कि जब अंग्रेज इस देश में आया था तो उस वक्त इस देश को ऐसे नौजवानों को की जरूरत थी, इस देश को ऐसे स्वतंत्र सेनानी की जरूरत थी जो सर पे कफन बांध कर अंग्रेज का मुकाबला कर पाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुकाबला कर पाए। तब जाकर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई 30 मई 1866 के अंदर। याद होगा आपको, एक दरख्त के नीचे, अनार के दरख्त के नीचे दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी जाती। वहां से उलामा पैदा हुए, कौन पैदा हुए? जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात की और कहा कि अंग्रेज तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमारे देश के मट्टी पर कब्जा कर सको, तुम हमारे देश की दौलत पर हड़प कर सको। मदरसों की तारीख जानना चाहते हो? मदरसों में कुरान पढ़ाए जाते, कोई दहशत गर्दी का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। मदरसों को बदनाम करने वालों, मदरसे में कुरान करीम की तालीम देने वाले हमारे उलमा को बदनाम करने वालों, शक की निगाह से देखने वालों, चाहे वह आसाम का मिनिस्टर हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हो, आओ इन मदरसों को देखो। अगर इन मदरसों में तहकीक करोगे तो इन मदरसों के अंदर से टूटी हुई चटाई तुम्हें मिलेगी, इन मदरसों में टूटे हुए लोटे तुम्हें मिलेंगे, इन मदरसों के अंदर बच्चे पढ़ने वाले उनके संदूक को खोल कर देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा दो जोड़ी पुराने कपड़े मिल जाएंगे, इनके पॉकेट में हाथ डाल कर देखोगे तो मिसवाक मिलेगा, इनके पॉकेट में हाथ डाल कर देखोगे तो अतर की शीशियां मिल जाएंगी, हमारे असातजा के रूम को खंगाल कर देखोगे तो वहां पर साए सित्ता की किताबें मिल जाएंगी, बुखारी शरीफ मिल जाएंगी और अबू दाऊद शरीफ मिल जाएंगी और आपको तिर्मिजी शरीफ मिल जाएंगी, इब्ने माजा शरीफ मिल जाएंगी, मुजली शरीफ की किताबें मिल जाएंगी। जिन किताबों को पढ़कर, जिन किताबों की तालीम लेकर मौलाना कासिम नानोत्री पैदा हुए, जिनकी तालीम लेकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए, जिन किताबों को पढ़कर मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी पैदा हुए, जिन किताबों की तहकीक करते करते मौलाना उबैदुल्ला सिंधी पैदा हुए, शेखुल हिंद पैदा हुए, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही पैदा हुए, मौलाना असद मदनी पैदा हुए, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए, मौलाना फजल हक खैराबादी पैदा हुए। कौन थे ये लोग? ये लोग इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इन मदरसों से निकलकर सर पे कफन बांध कर कुरान की तालीम को हाथ में लेकर, एक हाथ में तलवार को लेकर, इन मदरसों की रोटी और इन मदरसों की दाल को खाकर तब अंग्रेज के सामने खड़े हुए थे। कौन थे ये लोग? ये भारत के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने सर पे कफन बांध कर अपनी जान
जान को कुर्बान कर दिया था, जिनकी गर्दनें दरख्तों के अंदर लटकाई गई थी। यहां इन मदरसों से ये पैदा हुए फ्रीडम फाइटर, मुजाहिदीन भारत पैदा हुए। इन मदरसों से कोई जिहादी पैदा नहीं हुआ, कोई आतंकवाद पैदा नहीं हुआ। मदरसों से आतंकवाद पैदा नहीं होते, जिहादी पैदा नहीं होते, बल्कि मदरसों से इस मुल्क को बचाने वाले मुजाहिदीन पैदा होते हैं। नई बात समझ में आती है तो उठा दो इंडियन हिस्ट्री को, उठा दो हिंदुस्तान की तारीख। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये तारीख इन मदरसों का है। अगर हम खामोश रहते हैं, हमारे मदरसे वाले सिंपल साधारण अगर रहते हैं, तो आप इन्हें कमजोर न समझें। आप ये न समझें कि ये मदरसे वाले कुछ जानते नहीं, कुछ करते नहीं। इनकलाब पैदा करने की ताकत इनके रगों के अंदर होती, अपने धर्म के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। धार्मिक काम तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इन मदरसों में अगर कुरान पढ़ाया जाता है तो इट्स गुड थिंग, बिकॉज अल्लाह सैड इन द होली कुरान। हम अगर अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं तो अल्लाह ने उसका मकाम और उसकी फजीलत को बयान किया। क्या अगर कोई हाफिज़े कुरान बनता है तो कल कयामत में उसके माँ बाप को सूरज और चांद से कहीं ज्यादा रोशन ताज उसके माँ बाप के सर पर डाला जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। और खुद हाफिज़े कुरान को वह मकाम और मर्तबा, ये पैगाम मेरे मुस्लिम भाइयों आप लोगों के लिए, खुद हाफिज़े कुरान को अथॉरिटी होगी कि 10 आदमियों को जहन्नम, जिन जन्नत में लेकर जाए जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, एक हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा। किसी मिनिस्टर को यह अधिकार नहीं होगा, किसी एमपी एमएलए को यह अधिकार नहीं होगा, किसी डॉक्टर को, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन देयर इज ओनली वन पर्सन इज कॉल्ड हाफिज़े कुरान। आज हम हाफिज साहब को घटिया निगाह से देखते हैं। हाफिज साहब को कभी कभी कहते, अरे मुल्ला जी, मौलाना साहब, इनका मकाम तुम क्या जाने। जिनकी फजीलत को अल्लाह बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये दिखने में लगते हैं बहुत सिंपल साधारण है, लेकिन जब हाथ उठा दे आसमान पर, लो अक्सम बिल्लाह इला बर्रहुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मनशे के मुताबिक फैसला करते। ये मकाम होता है इनका। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे अकाबिर उलमाए कराम मौजूद। हजरत कारी साहब 40 साल से आपके इदारे में मेहनत कर रहे हैं, कितने सारे हफाज पैदा किए होंगे। हमारे हजरत नाजिम साहब, कई असातजा ऐसे हैं कि बरसों से मदरसों में हाफिज कुरान पैदा कर रहे, हदीस की तालीम दे रहे हैं। हम और आप समझते हैं कि क्या कुल्लू हाफिज इन जाहिल, हर एक हाफिज जाहिल होता है। आप बोल दीजिए जितना बोलना, लेकिन जब कल कयामत में हश्र के मैदान में नफसी नफसी के आलम में होंगे, हम और आप, मुखिया जी भी, एमएलए साहब भी, एमपी साहब भी, प्रधान साहब भी, चीफ मिनिस्टर साहब भी, सब कोई, गांव का, खड़गपुर का उद्योगपति लोग भी, डॉक्टर, एमबीबीएस, आईपीएस, एसपी, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, सारे लोग एक तरफ होंगे कल कयामत में हश्र के मैदान में। सब नफसी नफसी के आलम में मुबतला होंगे, लेकिन एक हाफिज कुरान से अल्लाह कहेगा कि हाफिज कुरान, तूने मदरसा फुरकानिया में तालीम हासिल की थी, कुरान हिफ्ज किया था, इधर आओ, डोंट वरी, परेशान ना हो, कुरान जैसे दुनिया में तुम पढ़ते थे यहां पर भी कुरान पढ़ना शुरू करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करो, मिनल जिन्नति वन्नास, जैसे कुरान दुनिया में पढ़ते थे ऐसे ही तुम कुरान पढ़ते जाओ। और सुनो, अकेले मत जाना जन्नत, बल्कि देखो तुम्हारे अब्बा कहां पर, देखो तुम्हारी अम्मी कहां पर, देखो तुम्हारे खानदान के 10 लोग, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारी बहनें कहां पर हैं,
देखो ढूंढो, वो देखकर कहेगा कि अल्लाह जहन्नम में जल रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आवाज आएगी कि जाओ उनको भी उठाओ, 10 आदमियों को अपने दोनों बाजुओं में पकड़कर जन्नत के दरवाजे में लेकर चढ़ता जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इन मदरसों का वजूद अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, मैंने कहा था कि नेमत उज़्मा एक बहुत बड़ी नेमत है। भूखे रहकर भी हमें इन मदरसों का, जैसे आज तक हमने ख्याल रखा है, आइंदा भी हम इनका ख्याल रखें। जहां पर भी मदरसे, इन्हीं मदरसों की कुर्बानी की वजह से आज हमारे और आपके बीच में इस्लाम जिंदा है, वरना ऐसी फिरका परस्त ताकतें हमारे और आपके बीच में मजबूत हो चुकी हैं, जिनकी जड़ें जमीन तक जा चुकी, और आपके बंगाल में भी कुछ लोग आए हैं डुगडुगी बजाने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक क्या चाट डाल रहे थे बैठकर दिल्ली में, क्या आपको बंगाल नजर आया? हम ये बंगला बना देंगे वो बंगला बना देंगे। हमसे एक आदमी ने पूछा, मौलाना अब्दुल्ला साहब, फला साहब आकर बोलते हैं कि हम ये बंगला बना देंगे। हमने कहा कि भाई बंगाल के लोग बेवकूफ नहीं है, उनको बंगला पंगला की जरूरत नहीं है, ये चांदी बंगला, हम हीरे बंगला बना देंगे। हमने कहा उसकी क्या जरूरत है यार, जो गरीब लोग हैं कम से कम उनके छत के ऊपर, उनके सर पर छत दे दे, बस यही काफी है यहाँ के लोगों को, किसी बंगला बंगला की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन, जालिम दंदना रहा है भारत में, जालिम दंदना रहा है भारत में। आपको अपना सही कदम उठाना है, आपको खुद फैसला करना है कि आपका रक्षक कौन हो सकता है। मैं किसी की रहनुमाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इतनी सोच और इतनी अकल, कॉमन सेंस आपके अंदर है, यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना होगा। आपके एक गलत फैसले से अगर कुर्सी इख्तदार पर कोई फिरका परस्त ताकत बैठ जाता है, अगर आपके गलत डिसीजन की वजह से अगर कोई बहरूपिया, अगर कोई जुमलेबाज, अगर कोई धोखेबाज, अगर कोई लूटेरा, अगर कोई ऐसा नफरत परस्त आदमी आपके बीच बैठ जाता है, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाता है, जो मदरसों को बंद करने की बात करता है, जो कुरान पर पाबंदी की बात करता है, जिसने इस देश में खुसूसन माइनॉरिटी के लोगों को इस देश से निकालने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया, इन जालिमों को अगर आपके गलत डिसीजन की वजह से अगर पावर इनके हाथ में आता है, तो मेरे भाइयों, आपके लिए कब्र खोद दिया जाए, आपकी टोपी आपके सर पर नहीं रहेगी, आपके शक्ल में दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं होगी। ये चीज तो दूर की बात, आपको अजान देने की इजाजत नहीं होगी, आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए आपको ऐसे वक्त में सही डिसीजन लेना है, सही फैसला लेना है, किसी के बहकावे पे आकर नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, बल्कि कुरान का पैगाम है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अगर आपके एक इंतखाब की वजह से अगर कोई शराबी कुर्सी पर बैठ जाता है, तो जब जब वो शराब पिएगा, तो उसका गुनाह पहले आपके सर पर होगा, बाद में उस शराबी जालिम लीडर के सर पर होगा। इसलिए पैसों से अपने ईमान को बेचने वाले, पैसों से अपने ईमान को, अपने वोट को शरीयत एतबार से फरोख्त करने वाले, अल्लाह के नजर में, अल्लाह के सामने जब आप हाजिर होंगे, तो अल्लाह के हमने आपको जवाब देना होगा कि हमने तुम्हें ईमान दिया था, हमने तुम्हें सबसे कीमती दौलत से तुमको नवाजा था, लेकिन तुमने फलां साहब से डील कर ली और तुमने उनसे पैसे लेकर अपने इंतखाब को, अपनी शहादत को, वोट को शरीयत एतबार से शहादत बोलते, तुम अपनी शहादत को किसी गलत आदमी के लिए इस्तेमाल किया, पैसे देकर, पैसे लेकर तुमने अपने ईमान को बेचा है, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाइयों, उस वक्त याद रखना, हजरत बिलाल हबशी की कुर्बानी को, हजरत खब्बाब बिन अरद की कुर्बानी को, जो अबू जहल के सामने
उत्बा के सामने और कुफारे मक्का के सामने खड़े होकर कहा था, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ओहदे की जरूरत नहीं है, हमको तो एक अल्लाह ने जो दौलत दी है हमें उसकी हिफाजत करनी है। वो चले गए इस दुनिया से लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आपको भी अपने ईमान का सौदा बंगाल के अंदर नहीं करना है इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बीच में आप लोगों को मैंने इशारा किया है, फैसला सोच समझ कर आप लोगों को करना है। अल्लाह के नबी ने कहा उनसुर अखा का जालिमन ओ मजलूमन, मजलूम की भी मदद करो, अगर किसी पर जुल्म होता है तो उसकी मदद की जाए। अगर कोई जुल्म कर रहा है मजलूम की तो मदद समझ में आती तो उनकी मदद करेंगे, उन पर कोई जुल्म हो रहा है, किसी ने केस कर दिया, किसी ने जुल्म तशद्दुद किया उसके ऊपर तो उसकी मदद करेंगे, बात समझ में आती। हाउ कैन आई एक्सेप्ट एंड हाउ कैन आई हेल्प द जालिम डिक्टेटर, उस पर हम उसकी कैसी मदद करें। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर जालिम जुल्म करता है तो उसको जुल्म करने से रोको, ये उसकी मदद है। अगर कोई जालिम कुर्सी पर बैठकर अनाप शनाप नारे लगाता है कि हम यहाँ आएंगे तो 24 घंटे में ये कर देंगे, हम यहाँ आएंगे तो 25 घंटे में ये कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं इन सब बातों की, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। इतना बताओ कि ये जो लोग हैं, आवाम हैं, हमारे नौजवान खड़गपुर यूनिवर्सिटी से कॉलेज से IIT कर लेते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, ठेले में जाते हैं गैस लेकर चाय बेचते, आपने इनको नौकरी क्यों नहीं दी। खड़गपुर से पढ़ने वाला IIT के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करने वाला सुंदर राम पिचाई को अमेरिका वालों ने ले लिया, आपके पास उनको जॉब देने के लिए पैसे क्यों नहीं थे, आपने उनको जॉब क्यों नहीं दिया, क्यों वो अमेरिका चला गया। गूगल का CEO कौन है, सुंदर राम पिचाई, 75% शेयर होल्डर है ये गूगल का, कहां से पढ़कर निकला वो लड़का, आपका यही खड़गपुर से पढ़कर निकला, मैंने कई जगह स्पीच के अंदर ये बात कही, चेन्नई का वो लड़का सुंदर राम पिचाई। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा वेबसाइट, कुछ भी लिखो तो मिल जाएगा, कुछ भी लिखो गूगल में मिल जाएगा, तो उसका CEO कौन, सुंदर राम पिचाई, कहां से पढ़ा, खड़गपुर से। पूछो इन जुमलेबाजों से कि हमारे खड़गपुर से नौजवान बड़ी तादाद में IIT कर निकलते हैं, उनको नौकरी ही नहीं मिलती, और जनाब इनकी ताकत कहाँ खर्च होती है, ये मदरसों में दहशतगर्द पैदा होता है, ये मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, अरे कुरान में क्या गलत पढ़ाया जाता, कुरान में पढ़ाया जाता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बात वेद में भी पढ़ाया जाता है, ओम बुर्वस्वाहा तस्वितुर्वरेरणियम अग्रणी मीले, सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। कुरान में क्या पढ़ाया जाता, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुरान में ये पढ़ाया जाता है, तो ये चीज तो वेद में भी पढ़ाया जाता, उपनिषद के अंदर भी पढ़ाया गया, नतस्य कश्चित पतरश्चीलुके नचिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकार नाम कर्णाधिपा दीपो नचास्य कश्चित जनिता नचाधिपा। कुरान में क्या पढ़ाया जाता है, कुरान में पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद हमारे आखिरी नबी हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबियीन। वेद में भी ये पैगाम मौजूद है, वेद में भी कहा गया मोहम्मद के बारे में कि मोहम्मद को मानो वह आखिरी अंतिम मौरिशी होंगे, कलयुग में आने वाले कल के अवतार होंगे। वेदों में कहा गया, कुरान में हमसे कहा जाता है कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सला, अजान दो, वेदों में कहा गया अजान दो, उच्चला पी सर्वभक्षी भविष्यति जनुमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम बक्षयम अतामम। कुरान में कहा जाता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, वेद में भी कहा जाता है प्रथमा दारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। कुरान में कहा जाता है, कुरान में कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी के हक को मत मारो, किसी को परेशान मत करो। वेद में भी कहा जाता है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापलाम। कौन सा गुनाह है बताओ, एक मैसेज अगर कुरान में गलत हो बताओ, एक आयत अगर कुरान में गलत हो। हाँ, कुछ लोग आते हैं उनको पॉपुलरिटी नहीं मिलती है, वो दफन हो जाते हैं मट्टी में, सोचते हैं कि कैसे हम दुनिया के सामने आए,
कैसे लोग हमारा नाम जाने, तो बस 26 आयत के ताल्लुक से लिख लेते हैं, चले जाते सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कुरान में 26 आयत ऐसी हैं जो जुल्म को बढ़ावा देता है। अगर कुरान में 26 आयतें ऐसी है जो जुल्म को बढ़ावा देता है तो हमारे मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता, इसका मतलब कि मदरसों में जालिम लोग पैदा होते हैं। बता दो आज तक भारत के किसी मदरसे से पढ़कर निकलने वाला कोई हाफिज़े कुरान आतंकवाद बना? नहीं बना। किसी मदरसे से कोई जालिम पढ़कर निकला? नहीं निकला। किसी मस्जिद के इमाम को आपने देखा कि उसके पास AK-47 है? नहीं देखा। आपने किसी भी हाफिज साहब को देखा कि उसके पास क्लासिंग तोप है? नहीं देखा। आपने देखा होगा कि किसी भी मोतमिम साहब के पास मिसाइल है? नहीं देखा। आपने देखा कि भाई किसी भी कारी कुरान के पास कोई राइफल हो, बंदूक हो? नहीं देखा आपने। क्यों? क्योंकि ऐसी तालीम होती ही नहीं मदरसों के अंदर। मदरसों के अंदर तो प्योर कुरान, कुरान, अल्लाह रसूल, आखरत, और दुनिया से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता, बल्कि वो अपनी शरीयत को, हदीस को, साए सित्ता को, बुखारी को, तिर्मिजी को, मुस्लिम को, अल्लाह के नबी का क्या फरमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस हदीस में क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए थे, कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सारा डिस्कस हमारे मदरसों के अंदर होता है, लेकिन नहीं जनाब, उनको पॉपुलरिटी हासिल करनी कि हमको लोग कैसे जानेंगे, फटाफट चला गया सुप्रीम कोर्ट और जाकर आनाप शनाप भाषण दे दिया। हमने कह दिया उनको, बहुत सारे तरफ से लोगों के तरफ से आए उनके खिलाफ, उनके रद्द में बयान। हमने कहा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ये जजमेंट दे दिया कि हाँ 26 आयतें निकाल दी जाए, तो तुम दुनिया के कुरान से, मुसव्वदे से तुम निकाल सकते हो, लेकिन अल्लाह के पास लौहे महफूज में जो 30 पारे हैं, 3,22,000 अल्फाज, तुम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हमारे सीनों में जो कुरान, उनको तुम तब्दील नहीं कर सकते। 26 आयतों को निकाल दोगे, पूरे भारत के 6,00,000, 6,50,000 हुफ्फाज़े किराम खड़े हो जाएंगे, अब्दुल्ला सालिम खड़ा हो जाएगा, मदरसा फुरकानिया के तालिबे इल्म खड़े हो जाएंगे, वसीम रिजवी अपने उन खुदाओं को बताना नींद से जगा करके उठो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया कि 26 आयतों को निकालो, कुरान पर पाबंदी लगाओ, कुरान पर बंदिश लगाओ, लेकिन देखिए मदरसा फुरकानिया का बच्चा खड़ा हो चुका है, उसके सीने में कुरान, जला दो कुरान को, डाल दो समंदर में कुरान को, हमें कोई फिक्र नहीं है, ये कुरान फिर से आएगा, ये कुरान फिर से जिंदा होगा। क्यों? इस कुरान का मुहाफिज कोई दुनिया का इंसान नहीं है, बल्कि इस कुरान का मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है। वो कैसे हिफाजत करता है? वसीम रिजवी के गद्दार खुदाओं, डुप्लीकेट परमात्माओं, वसीम रिजवी के पीछे बैठकर तमाशा देखने वाले लुटेरों, एक बात याद रखो, वसीम रिजवी को तुमने सामने खड़ा किया, तुम कुरान करीम को मिटाओगे, हम खड़े हो जाएंगे, तुम कुरान के नुस्खों को जलाओगे, कुरान को बदलने की कोशिश करोगे, हम फिर खड़े होकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सयकुल अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, सयकुल सुफा तिलकर रुसुल लन तनावल मुहसनात, ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिउ वलो अन्नना क़ाला अल मलाउ वअलमु यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुभाना अल्लज़ी क़ाला अलम اقترب للناس قد افلى المؤمنون وقال الذي امن خلق اتل ما اوحي ومن يقنط وما لي فمن ازلم اليه يرد حاميم قال فما خطبكم قد سمع الله تبارك الذي اما يتساءلون من الجنه والناس फिर से अब्दुल्ला सालिम खड़ा होकर पूरा कुरान पढ़ देगा। कहां तक मिटा? नारा तकबीर। एक साहब आए कि नहीं, ये बच्चे पढ़ कहां से रहे पूरा कुरान? ओहो, अंदर छुपा के रखा होगा, सीने को फाड़ कर देख रहे कि देखो सीने में कहाँ लिखा हुआ है कुरान, पूरा सीना फाड़ कर देख रहे तो कहीं कुरान लिखा हुआ नहीं है, ये पढ़ कहाँ से रहे? तब जाकर वह अंग्रेज ताइब हुआ था, तोबा किया था कि हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते,
हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते, इसलिए कि इस कुरान की हिफाजत, इस कुरान की रक्षा कुछ अल्लाह तबारक व ताला खुद करता है। दुनिया की किसी भी किताब की हिफाजत अल्लाह ने नहीं की, हालांकि तौरात को, जबूर को, इंजील को अल्लाह ने नाजिल किया, लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत नहीं की। तो तौरात, इंजील, जबूर बदल दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अंदर तब्दीली आई। कुछ मुहक्किक का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी ईशवाणी है, ईशवाणी, ईश दूत के जरिए से ईश ने लोगों को पैगाम दिया, मनुष्य देव उनके जरिए से हम मानते हैं, वो किसी न किसी संस्कृत जुबान के नबी और रसूल के ऊपर अगर उतना भी होगा तो उसकी हिफाजत अल्लाह ने नहीं ली, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बदल दी गई। बहुत सारी जगहों के अंदर ऋग्वेद में तब्दीली है, यजुर्वेद में तब्दीली है, सामवेद में तब्दीली है, रामायण महाभारत के अंदर तो जमीन और आसमान का फर्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को लेकर होली का त्यौहार हमारे हिंदू भाई मनाते हैं, आप होली का पूरा हिस्ट्री देख लीजिए और हजरत इब्राहिम के पूरे वाक़े को देख लीजिए तो आप ये कहेंगे कि ये तो हजरत इब्राहिम का वाक़या लग रहा है कि होली जो हमारे हिंदू भाई मनाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे ये मदरसे, हमारे बीच में कुरान, बहुत सारे लोग आएंगे इसको बदनाम करने के लिए, इसको मिटाने के लिए, मगर ये है कि हमें किसी के कहने पर, किसी के इल्ज़ाम लगाने से हमारे ईमान और अकीदे के अंदर ज़र्रा बराबर शक पैदा नहीं होना चाहिए। एक साहब ने हमसे पूछा, उस वक्त हमको अफसोस हुआ, उस वक्त हमको लगा कि नहीं, हमें बोलना चाहिए कि वसीम रिजवी का अमल कैसा था। तब हमने बोलना शुरू किया, वरना नो नीड टू एक्सप्लेन ऑन दैट डिस्कस, हमें इसके ऊपर कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कि मुसद्दक कलाम है, कोई कमी बेशी कोई माए कलाल कर ही नहीं सकता। अरे सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात, कोई वकील तो दूर की बात, खुद कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले कुर्रा और हजरात मुफ्तियान भी एक नुक्ते में कमी बेशी नहीं कर सकते। जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते उनको भी इजाजत नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब उस आदमी ने पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, क्या वाकईतन कुरान में 26 आयत ऐसी है कि जिसके अंदर वायलेंस है, जुल्म है, तशद्दुद है, 26 आयतों में जिहाद की आयत, पर्दे की आयत और नमाज की आयत और चोरी की आयत, जिसमें हाथ काटने का आर्डर है, ज़्यादातर आयतें जिहाद से, जंग से ताल्लुक रखती, उनके ऊपर उन्होंने निशानदेही की। हमने कई जगह के ऊपर यह बात कही कि 26 आयतों का मंशा और मतलब, हमने कहा कि इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान किया, हमने समझाया, हमने कहा कि मानोगे नहीं कुरान का पैगाम। सपोज दे, कुरान में कोरोना से बचने का इलाज अल्लाह ने बताया, आप सबको मालूम है कोरोना से बचने का क्या इलाज है, हाथ धोना। पहले हाथ धोइए, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, 2 गज की दूरी। अल्लाह ने कुरान में कोरोना से बचने का इलाज 1450 साल पहले बताया है। कैसे? 6ठे पारे में आयत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअय्दियकुम इला मराफ़िक़। हाथ धोने का आदेश कुरान में है। हम अगर कहते हैं कि लोगों हाथ धो, 14 साल से हम कहते हैं व्यारत है कि लोगों हाथ धो, खाने जाते हो तो हाथ धो, सोने जाते हो तो हाथ धो, दस्तरखान में बैठते हो तो हाथ धो, कोई चीज़ पकड़ते हो तो आओ तो हाथ धो कर रहो। अत्तहूरु निसफुल ईमान, अश्शत्रु निसफुल ईमान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बाज़ाब्ता तौर पर अहादीस मुबारक है कि पाकिजगी ईमान का आधा हिस्सा है, हाथ धो, वॉश योर हैंड्स। नहीं मानते थे, क्यों माने? हाउ कैन, व्हाई डू आई एक्सेप्ट द कुरान, क्यों हम कुरान को माने? नहीं मानो, मत मानो, कोरोना आकर खुद ही मनवा देगा कि नहीं धोगे हाथ, लो अब तुमको धोना पड़ेगा, अब तो डिटॉल से भी धोना पड़ेगा। ऐसे नहीं, डिटॉल से धो, और धोने से काम नहीं चलेगा, आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करो। बयान कर दिया अल्लाह ने। बहुत लोग करते थे कि नहीं जनाब, हम क्यों मोहम्मद की बात माने? अल्लाह के नबी ने कहा कि 3-3 मरतबा हाथ धोएं। दिन में जो आदमी 5 मरतबा वजू करेगा, 15 मरतबा अगर हाथ धोएगा तो कोरोना सटेगा उसके हाथ में, कभी नहीं आ सकता कोरोना। अब ये कोरोना अकलमंद हो गया,
ये कोरोना इतना अकलमंद हो गया है, एक साल हो गया आज कोरोना को, आज कोरोना का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कोरोना। आज 22 मार्च है, आपको याद होना चाहिए आज ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, आज जनता कर्फ्यू लगा, आज कोरोना पैदा हुआ था माँ के पेट चाइना से। पता है ये कोरोना अब एक साल का हो गया, अब ये स्कूल जाने लगा है कोरोना। कैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, आप हंस रहे हैं लेकिन समझिए इस बात को, ये कोरोना अब नर्सरी यूकेजी पढ़ने लगा है। आप चले जाइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर कुछ कुछ जिलों में, कुछ स्टेट में लॉकडाउन है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन, शनिचर और इतवार, यानी शनिचर इतवार को कोरोना की छुट्टी होती है, तो कोरोना स्कूल से बाहर आ जाता है सड़कों पर, मोहल्ले में घूमता है, तो कहते हैं कि 2 दिन लॉकडाउन क्योंकि कोरोना घूम रहा है। अब पूरे 5 दिन 6 दिन तक ओपन है, कोई लॉकडाउन नहीं, अनलॉक है कि नहीं। देख लीजिए औरंगाबाद में, देख लीजिए आप उधर कोल्हापुर में, देख लीजिए मुंबई में, देख लीजिए आप बात जगहों के ऊपर, यही चीज़ है कि 24 घंटे ये शनिचर को इतवार को लॉकडाउन रहेगा, संपूर्ण लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं जा सकते। हमारे एक दोस्त हैं औरंगाबाद में, हमने कहा कि भैया हमारा कुछ पैसा है भेज दो, क्या बोलता है, हजरत सोमवार के दिन सुबह भेजूंगा। हमने कहा कि आज शनिचर है चले जाओ, बोला आज लॉकडाउन। हमने कहा कितना दिन लॉकडाउन है, बोला 2 दिन लॉकडाउन। हमने कहा क्यों, मंडे को कोरोना को डर लगता है, बोला नहीं मंडे को नहीं है, मंडे को अनलॉक है। तब हमको समझ में आओ ऐसा है कि ये जो बीच में मंडे ट्यूजडे सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा को वे कोरोना चला जाता है नर्सरी पढ़ने के लिए, इसीलिए उस दिन अनलॉक रखा है, बाकी शनिचर इतवार को कोरोना को छुट्टी मिल जाती है तो वो एकदम चड्डी बनियान पहन करके घूमता है गलियों में, इसीलिए उस दिन लॉकडाउन लगा दिया। यानी इतना अकलमंद हो गया, अजीब बात जनाब। कुछ कुछ जगहों के ऊपर तो ये कहा गया कि ईशा के बाद यानी 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक रात में लॉकडाउन रहेगा। क्यों जी, कोरोना ने आकर बताया आपको कि हम 9 बजे से लेकर सुबह रात सुबह 10-11 बजे तक सोएंगे नहीं, घूमेंगे सड़कों पर रहेंगे, बाकी दिन में हम सोएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये कोरोना अब एक साल का हो गया है पूरे, अब ये नर्सरी यूकेजी पढ़ने लगा है, अब हफ्ते में 2 दिन कोरोना निकलता है बाहर, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया। बिल्कुल अकल से बिल्कुल बाहर, राजनीतिक फील हो, राजनीतिक समा हो सकता है। आपके खड़गपुर में हमारे इस देश के कायद साहब आए तो कोई कोरोना नहीं, अब यहीं पर गाड़ी लेकर निकले किसी दूसरे दिन, मास्क क्यों नहीं लगाया जी, क्यों लगाए जनाब, कोरोना है तो। अरे भाई वो इतना बड़ा सभा हो गया, कोई बात नहीं, वो सभा है, कायद साहब हैं, उनको देख करके कोरोना पहचानता है उनको, चूंकि बाहर से वही लाए थे कोरोना, वो जो आए थे एक बहुत बड़े मेहमान साहब आए थे जिनके आमद पर 8-8 करोड़ रुपए सड़कों में सफाई में खर्चा किया गया था, तो यही तो लाए थे, पहचान रही वही है। नहीं मत जाओ, इसको मत पकड़ो, इसको मत छुओ, ये ऐसा जमाना आ गया है, राजनीतिक फील्ड में कोई कोरोना नहीं, यानी राजनीतिक कोई समा हो तो कोरोना नहीं, अगर दीनी जलसा हो जाए तो कोरोना पकड़ लेगा। जल्दी परमिशन नहीं मिलता तो हम तो कहेंगे चुनाव आयोग से कि सर पूरे भारत में लोकसभा का इलेक्शन करवा दीजिए, कम से कम कोरोना दोबारा भागकर चाइना चला जाएगा, इलेक्शन होगा तो भागकर चला जाएगा। मेरे भाइयों, ये ऐसी ऐसी कवानीन लोगों के सामने आ रहे हैं जो हम लोगों के समझ में तो आती नहीं। भाई एक बात तो मेरे समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही कि आदमी का आधार कार्ड बनता है तो 50 और 52 रुपए लगता है, आधार कार्ड में सरकारी रेट बनाने के लिए 52 रुपया, लेकिन आजकल भैंस का भी आधार कार्ड बन रहा है, भैंस का, अतः भैंस के आधार कार्ड में कितने लगने चाहिए तो कम से कम 25 रुपया तो लगना चाहिए, लेकिन 1 टका नहीं लगता, भैंस के आधार कार्ड फ्री में बन रहे हैं, देख लीजिए आप पूछ लीजिए, और भैंस के आधार कार्ड बांध करके कान में लगा देते, क्यों जी, इसलिए कि NRC होने वाला, NRC और CAA होगा तो इसलिए पहचानेंगे कि कौन सी भैंस इंडिया की है और कौन सी बांग्लादेश की है। अब भाई इंसानों के आधार कार्ड में पैसा, अब भैंस के आधार कार्ड में कोई पैसा नहीं, और इंसानों के घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया और भैंस के घर बनाने के लिए 2 लाख रुपया, गौशाला बनाने के लिए 2 लाख मिलता है कि नहीं मिलता है, 1,57,87,000। नेता लोग जानते हैं, जो मेंबरान लोग हैं जो पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं,
इंसानों के घर बनाने के लिए 1.5 लाख, जानवरों के घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए। वाह भाई वाह, इंसानों की अहमियत कम और जानवरों की अहमियत बढ़ गई। सपोज दैट, मान लीजिए भैंस को पता चल गया कि हमारे नाम का तो 2 लाख रुपए आ रहा है और चले गए बैंक, तो क्या होगा? क्योंकि आपके नाम का 1.5 लाख आता है तो आप आधार कार्ड लेकर कहाँ पहुँचते हैं? आप फिंगरप्रिंट डालते हैं तब जाकर आपका पैसा और टाका निकलता। आधार कार्ड का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप खड़गपुर में हैं, अगर आप हावड़ा में जाके गुम हो गए तो आपको उस आधार कार्ड के एड्रेस से आपको खड़गपुर पहुंचाया जा सकता है। कौन है? मौलाना अब्दुल्ला। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? खड़गपुर से। अब्बा का नाम क्या? कमरुल हुदा। वार्ड नंबर क्या? 11। ओ अच्छा, ये कमरुल हुदा का लड़का। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर भैंस खड़गपुर की जगह चली जाए कलकत्ता, तो उसके आधार कार्ड से कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कहाँ से आई है? उसके अब्बा का नाम क्या होगा? अरे भाई, उसके आधार कार्ड में उसके मोहल्ले का क्या नाम होगा? समझने की बात। इत्तेफाक से भैंसिया को पता चल गया कि हमारे अकाउंटवा में तो 1,90,000 रुपये आया, और चलो जल्दी से। अब चले गए वो SBI बैंक में, मैनेजर साहब को जाके कह रही बैंक हमारे नाम का पैसा भेजा, हमारे भारत के कायद साहब ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब ने पैसा दो। मैनेजर साहब कहता कोई बात नहीं, तुम्हारा अकाउंट लिंक है अकाउंट से, तुम्हारे आधार कार्ड लिंक है अकाउंट से। तो भैंस कहती क्यों नहीं है कि हमारा आधार कार्ड बनाया तो लिंक नहीं होगा। लिंक होगा तो उमूमन आजकल आधार कार्ड से पैसा निकल जाता, फिंगरप्रिंट डालिए पैसा निकल जाएगा। तो भैंस जाकर खड़ी हो गई मशीन के पास। अब मैनेजर कह रहा है कि चलो हाथ डालो अपना, फिंगरप्रिंट दोगे तब ना। अब भैंस का फिंगरप्रिंट क्या होगा? समझ से बाहर की बात। अब भैंस तो कहेगी कि भाई मुझे रुपए दो। ये चीज रियल में है। ये हम ये नहीं कह रहे भैंस का आधार कार्ड बन रहा, भैंस के 2 लाख रुपए आ रहे हैं, इंसान के आधार कार्ड में पैसा लग रहा है और उनको पूरे पैसे भी नहीं मिलते हैं। मेरे भाइयों, ये हमको सोच और समझ से बालातर है कि ये हो क्या रहा। जो काम करना चाहिए वो काम करते नहीं, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। झूठी तसल्लियां दे देकर मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और समाज के बुद्धिजीवी लोगों, मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपको एक पैगाम दूंगा कि जब आदमी जहालत जाहिल होता है, कुर्सी पर बैठता है, तो वह अपने दिमाग से उसकी सोच भी उतनी ही होती है, वो ज़्यादा बुलंद नहीं सोच सकता। वो नहीं सोचेगा कि भाई अमेरिका के अंदर क्या हो रहा, अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर किसानों को कितना सब्सिडी मिलता है, 40 लाख रुपया सालाना उनको सब्सिडी दी जाती है। कहाँ पर? अमेरिका में। भारत में पूछो किसान को कितनी सब्सिडी दी जाती है, 40,000 नहीं। क्यों? क्योंकि सब्सिडी देने वाले खुद जाहिल के जाहिल बने बैठे। मैं इसलिए जाहिल कह रहा हूं उन लोगों को क्योंकि ये जाहिल हैं, ये न संविधान को जानते हैं, न ये कानून को जानते हैं, न ये इतिहास को जानते हैं, न ये तो तारीख को जानते हैं। 620 मदरसों को बंद करने के लिए आवाज किसने बुलंद की? आसाम के अंदर एक मिनिस्टर ने। उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं हो सकता। मैं जाहिल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनको मालूम नहीं, अगर उनको मालूम होता तो वो जुरत नहीं करता। हमारे मदरसों को कोई माए कलाल नहीं बंद कर सकता। क्यों? इसलिए कि हम खड़े हैं, हमारा संविधान खड़ा है। हम उनको कहना चाहते हैं, अगर इन मदरसों को बंद करते हो तो किस आधार पर? बताओ एक भी प्रूफ दिखाओ। भारत के अंदर गुजरात में दंगा हुआ, कोई दंगा करने वाले कौन थे? मदरसे के पढ़े लिखे थे? नहीं, बल्कि कौन थे जिन्होंने माथे के ऊपर गेरवे रंग का कपड़ा पहना हुआ था? बताओ तुम जरा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस भारत के अंदर मॉब लिंचिंग किया गया। मॉब लिंचिंग करने वाला, टोपी दाढ़ी को मारने वाला, टोपी दाढ़ी के नाम पर मारने वाले कौन थे? कोई मुसलमान था? नहीं। कोई कुरान पढ़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। क्या कोई मदरसे के अंदर का मदरसे का तालिबे इल्म था? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो लोग थे जिनको इस देश के अंदर फिरका परस्त ताकतों की पुश्तपना ही मिली थी। आपके करीब के अंदर, आपके इसी आसनसोल के अंदर एक वहां के इमाम साहब के बेटे को तेजाब डालकर जलाने की कोशिश की गई थी। बताओ उस मासूम बच्चे को किसने मारा था? उस मासूम बच्चे को मारने वाला कौन था? क्या कोई मुसलमान था? कोई कुरान पढ़ने वाला था? नहीं। तुम बता सकते? तुम्हें यह भी बताना होगा
इस देश के अंदर गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे ने कौन से कुरान करीम की तालीम हासिल की थी? अमेरिका ने अफगानिस्तान इराक के बॉर्डर पर तकरीबन 70 मिलियन मासूम इंसानों का कत्ल किया है, बताओ अमेरिका ने कौन सा कुरान पढ़ा है? बताओ तुम जरा, जर्मन का हिटलर, उसने 6 करोड़ लोगों की हत्याएं की, 6 करोड़ लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा जर्मन का वो हिटलर, उसने कौन से कुरान पढ़ा था, कौन से कुरान की तालीम हासिल की थी? इससे यह पता चलता है कि कुरान पढ़ने वाला तशद्दुद परस्त नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला जालिम नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला उग्रवाद नहीं होता, बल्कि उग्रवाद का कोई धर्म नहीं होता, तशद्दुद का कोई धर्म नहीं होता, फिरका परस्त का कोई धर्म नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी इंसान का खून कर देता है, किसी भी मासूम इंसान को मार देता है। हमारे इन मदरसों को बंद करने वालों, अगर ताकत है तो मदरसों को बंद करके दिखाओ। क्यों? भारत का संविधान हमें कहता, भारत का हमें आर्टिकल नंबर 30 कहता है, राइट ऑफ माइनोरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसी एक्ट के अंदर भारत के आर्टिकल का 30 का एक कहता है क्या, ऑल माइनोरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। भारत के अंदर जितने भी मुसलमान, भारत के अंदर जितने भी माइनॉरिटी, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, फिरका परस्त ताकतों, अगर नहीं मालूम है भारत के संविधान का ये एक्ट, भारत के कानून का ये दफा, तो याद रखो मेरी तकरीर, अपने दिलो दिमाग में पढ़कर देखो, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। अगर कोई मुसलमान अपने धर्म को जिंदा रखने के लिए कुरान की तालीम देता है, कुरान की तालीम देता है, बच्चों को अरबी जुबान पढ़ाता है, उर्दू जुबान पढ़ाता है, संस्कृत जुबान पढ़ाता है, तो वो मदरसा बना सकता है, शूरा की कमेटी बना सकता है, आमला की कमेटी बना सकता है, मखसूस कमेटी बना सकता है, सदर चुन सकता है, सिक्योरिटी सचिव चुन सकता है, सिक्रेटरी चुन सकता है, कौन कहता है टू एडमिनिस्टर टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारों को चलाने के लिए ऑन अर रिलीजन अर लैंग्वेज, रिलीजन अर लैंग्वेज, इस्लाम मजहब की तालीम देने के लिए या अगर अरबी जुबान की तालीम देने के लिए अगर कोई मदरसा चलाना चाहता है तो भारत का संविधान उसको इजाजत देता है। मिनिस्टर साहब, शराब पीकर नशे में मत रहो, संविधान को पढ़ो, आओ तुम्हें संविधान बताता हूं। तुम ये मत समझना कि मौलाना अब्दुल्ला मौलाना साहब है तो सिर्फ कुरान पढ़ना जानता है, कुरान के 30 पारे मौलाना अब्दुल्ला के सीने में है, हजरत नाजिम साहब के सीने में है, तो मौलाना अब्दुल्ला संविधान को भी पढ़ना जानता है। जिस तरीके से कुरान याद किया ऐसे ही संविधान भी इसके दिले दिमाग के अंदर है, जो तुम्हें पढ़कर सुना सकता। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारे मदरसों को कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शर्त है कि इन मदरसों को हम गवर्नमेंट के हाथ में ना दें, वो इतने ईमानदारी से काम नहीं लेते, उनका जब तक मकसद पूरा होगा आपके मदरसे में बहुत अच्छी तालीम, जब उनकी नीयत ख़राब होगी आपके मदरसे में ताले लगा देंगे। इसीलिए हमारे अकाबरीन हमेशा से कहते हुए आए हैं कि भाई मदरसों को पर्सनल रखो, आप मदरसों में आप भूखे रहकर 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी मदरसे में पहुंचाएं, लेकिन मदरसे को आप खुद से चलाएं, इसके अंदर ज़्यादा बेहतरी है। वरना देखिए 620 मदरसे माने रखते हैं, हम गए पिछले महीने जब जलसे में हजरत, तो पूछ रहे कि भाई मदरसे क्यों बंद हैं, बड़े बच्चों के लिए तो तालीमी निज़ाम को खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौलाना तालीमी निज़ाम है ही कहाँ, अब तो हमारे मदरसों में ताले लग चुके। हमने कहा कि क्यों दिया था उनको जालिमों को, हमने कहा कि आप लड़ें, आप बोला कैसे लड़ें, ये जितने भी नेता लोग हैं बात करते हैं तो बोलता हमको पहले जिताओ तब जाकर तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगे। हमने कहा कि कहते हैं ना नेताजी से कि जीतो के ज़रूरी है, राजनीति में ऐसा होता है कि जिसकी जीत दिखती है कभी कभी वह हार जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हारता हुआ दिखता है तो वही जीत जाता है, राजनीति के अंदर हार जीत होती रहती। तो उनसे कहो कि भाई वो तो हार जीत बात की बात है,
आप हमारे लिए आवाज बुलंद करें, अगर नहीं आते हो तो निकल जाओ मैदान में, आपका फंडामेंटल राइट्स, आपके मदरसों को कोई नहीं ताला लगा सकता। नहीं, अगर आप नई बात मानता है तो भारत के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जाकर कहो, वो खुद जानते हैं कि सर ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी के लोग, माइनॉरिटी में मुसलमान आता, दलित आता, आदिवासी आता, माइनॉरिटी के लोग अगर अपनी जुबान की तालीम देने के लिए कोई मदरसा बनाना चाहे टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मतलब क़याम में लाना, वजूद में लाना, शैल हैव द राइट, उसको इजाज़त, उसको हक है कि इस तरह का इदारा बना सकता। और आखिर में क्या जुमला इस्तेमाल किया मैंने जो अभी अंग्रेजी में पढ़ा है, ये कोई सेंटेंस नहीं, ये भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 30 मैंने पढ़कर सुनाया है कि अगर कोई माइनॉरिटी का आदमी मदरसा अपने पसंद से ऑन देयर चॉइस, सदर सेक्रेटरी कमेटी है उनके मंशा के मुताबिक, उनके मशवरे से मदरसे का जो निज़ाम होगा वो चला सकते, ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से वो मदरसों को चला सकते हैं। कोई इसमें अगर उंगली करेगा तो उसकी उंगली पकड़ कर जेल के अंदर उसको डाला जाएगा। हमारे इन मदरसों की तरफ उंगली उठाने वालों, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ये मत समझना कि अब ये कौम बेवकूफ है, ये मत समझना कि इस कौम को कुछ नहीं आती, ये कौम सिर्फ मस्जिद और मदरसे वाले। मेरे भाइयों, ये सारे मदरसे की या कुरान के इसके ऊपर जो बात हो रही है ना, इसकी वजह क्या है बताऊं आपको, सारे खुराफात का, मॉब लिंचिंग का, और मुसलमानों की बात है, जय श्री राम की बात है, वंदे मातरम की बात है, भारत माता की जय का बात है, और हिंदुस्तान के अंदर जो नाम बदलाव जा रहा है, लव जिहाद की बात है, लव जिहाद, लव जिहाद, मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करे तो लव जिहाद, लेकिन गैर मुस्लिम लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो वो प्रेम विवाह, वाह भाई वाह, क्या कहने, एक में दो दो कानून, मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करे तो लव जिहाद, अगर गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो घर वापसी, प्रेम विवाह, उनको सम्मान किया जाता। नहीं चलेगी ये दोहरी पॉलिसी, नहीं चलने देंगे ये दोहरी पॉलिसी, कानून एक बनाओ। रही बात, हाँ, अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाकर उससे निकाह करता है तो जायज़ नहीं। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्न, मेरे नौजवानों, बहुत हमारे नौजवान गुम हो चुके हैं, किस में, वो मोबाइल में, वो एक गेम आया फ्री फायर, वाह नौजवान जानते, हमने अभी पूछा, हमारे एक नौजवान दोस्त मेरे करीब बैठे थे, भाई मुदस्सिर साहब के साथ आए, हमने कहा कि भाई फ्री फायर होता क्या, परसों भी हम कम से कम 15-20 मिनट तक समझाए, ये फ्री फायर गेम हम तो आज तक देखे नहीं, हमने कहा भाई दिखाओ, तो उसमें कुछ कार्टून टाइप के लोग होते हैं, उनके हाथ में AK-47 होता है, बंदूक होते हैं, और किसी भी घर में घुस जाते हैं, जहाँ जहाँ घुसाना होता है हमारे नौजवान को वहाँ घुसा देते हैं, उनको वहाँ पहुँचा देते हैं और फिर वो फायरिंग करते हैं। ये फ्री फायर, अपनी जवानी को फ्री फायर में बर्बाद मत करो, अपनी जवानी को सलमान खान के 6-पैक देख कर अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। अपनी जवानी अल्लाह ने आपको दी है, बड़ी फजीलत है आपके जवानी की। हमसे एक नौजवान पूछता है कि मौलाना मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, मैं इनकलाब पैदा करूंगा। हमने कहा कैसे रे भाई, बोला कि 18-19 हज़ार लोगों को दाखिल करूंगा, मैसेज कोई भी कर दूंगा, लोग पढ़ेंगे, उनके अंदर तब्दीली आएगी। हमने कहा कि अगर मैसेज से, न्यूज़ से तब्दीली आती तो सबसे पहले इस देश पर आज तक वालों का कब्ज़ा होता। वो बोला कि नहीं मौलाना, दीनी बात भेजेंगे हम मैसेज में। हमने कहा कैसे, बोला कि दरूद शरीफ भेजेंगे, कहेंगे कि जो आदमी 10 आदमी को फॉरवर्ड करेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़्यारत होगी, या ऐसे कोई मैसेज भेजते रहेंगे जो आता है आप देखते हैं। हमने कहा कि गलत न्यूज़ भेजने से अगर किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़्यारत होती तो सबसे पहले आज तक और इंडिया TV वालों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़्यारत होती। हमने कहा क्या करते हैं जनाब आप, बोला कि मौलाना मैंने ग्रेजुएशन किया। हमने कहा कि ग्रेजुएशन करके इतनी घटिया सोच है आपकी, बोला क्या करें तो मौलाना हम क्या करें। हमने कहा कि ज़िंदगी का कोई टारगेट तय किया, बोला नहीं। हमने कहा कि आपके सीने में एक दिल, आप खुद आज़ाद हो,
यू आर फ्रीडम, आप फ्री, आप अपना टारगेट तय करें। बोला कैसे टारगेट तय करें? हमने कहा कि टारगेट एक लक्ष्य तय करो और उस पर अमल करो। मैंने कहा मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताता हूं। हम आप देख रहे होंगे मैं आपसे छोटा हूं, इल्म में भी छोटा हूं और उम्र में भी छोटा हूं। 32 साल मेरी उम्र है लेकिन मैंने प्रैक्टिकली बहुत चीज को ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत सारे चीजों के ऊपर मैंने तजुर्बात हासिल किए। मैंने उनको कहा कि मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं। मेरे भाई साहब आपने ग्रेजुएशन किया है, आप चाहें तो इनकलाब ला सकते हैं। बोला कैसे मौलाना? हमने कहा कि अगर आपका जहन किधर जाता है? बोला मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं। हमने कहा कि अगर आप सियासत में आना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य तय करें कि मुझे पॉलिटिक्स में अपना एक फील्ड बनाना है। आप पॉलिटिक्स में एक फील्ड बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप उस पॉलिटिक्स में उस टारगेट को हासिल कर सकते हैं। जब तक आप टारगेट हासिल नहीं करोगे, जब आप टारगेट को नहीं देख सामने रखेंगे तो आप उस अंदाज में मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप तिजारत में जाना चाहते हैं तो आप तिजारत के अंदर टारगेट तय करें कि मुझे एक साल के अंदर ये बिजनेस करना है।